सलाम दोस्तों, माय हेल्थ व्लॉग के इस सेशन में, इस वीडियो में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आगे पढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर लें और नीचे कमेंट देकर अपनी राय जरूर जाहिर करना। मेरे ट्रांसप्लांट का आज लगभग 4 महीना हो चुका है, लगभग, पूरे नहीं, अभी पूरे होने में कम से कम 5 दिन अभी बाकी है। आज जिस बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो है डिप्रोवेट प्लस लोशन के बारे में। जब आप ट्रांसप्लांट करवाते हो, ट्रांसप्लांट के बाद आपको कुछ मेडिसिंस दी जाती हैं और कुछ ऑइंटमेंट दिए जाते हैं, कुछ लोशंस दिए जाते हैं आपको अप्लाई करने के लिए। तो जो इनिशियल स्टेज में जो चीज़ें दी जाती हैं इमीडिएट आफ्टर ट्रांसप्लांट, वो हील करने के लिए होती हैं, ऑइंटमेंट होती हैं, पेन किलर मेडिसिंस होती हैं, ये होती हैं। लेकिन जब आप हेड वॉश करते हो, जैसा कि यहाँ है, आप इसको देख सकते हो, तो हेड वॉश कैसे करना है इस वीडियो में आप देख सकते हो। और तो हेड वॉश के बाद मेडिसिंस आपको स्टार्ट करनी पड़ती है। इसके साथ साथ मेनोक्सिडिल, फिनास्ट्रेड कुछ लगाने के लिए और कुछ खाने के लिए दी जाती है। उसके साथ ही एक और लोशन दिया जाता है जिसे हम कहते हैं डिप्रोवेट प्लस लोशन। डिप्रोवेट प्लस लोशन है क्या और ये क्यों दी जाती है? जी हाँ, डिप्रोवेट प्लस लोशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। डिप्रोवेट प्लस लोशन एस्टेरॉयड के तौर पे काम करती है, ये एक नेचुरल हार्मोन के तरीके से काम करती है। हार्मोन वो होता है जो नेचुरली आपके एड्रेनल ग्लैंड से एक्सक्रेट होता है। इसे हम यूज करते हैं ताकि स्कैल्प के ऊपर में किसी तरह की एलर्जीज, किसी तरह के इन्फेक्शन और किसी तरह के टर्माइट्स वगैरह से बचने के लिए और अपनी स्किन और अपने स्किन को क्लीन रखने के लिए डिप्रोवेट प्लस लोशन का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अंदर 2 कंपोनेंट्स होते हैं, एक बीटामेथासोन और दूसरा जिंक सल्फेट। ये दोनों कंपोनेंट्स आपके स्किन में किसी तरह के इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन, एलर्जीज, इन सारी चीजों को रोकने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए बहुत बेहतर रोल अदा करती है। इसलिए हम लोग इन ट्रांसप्लांट के बाद मेडिसिन के साथ साथ डिप्रोवेट प्लस लोशन का इस्तेमाल करते हैं ताकि अपने स्किन को साफ सुथरा और क्लीन रख सके और किसी भी तरह की एलर्जीज से बचाया जा सके। यही वजह है कि डिप्रोवेट प्लस लोशन का इस्तेमाल किया जाता है। अब क्वेश्चन ये है कि डिप्रोवेट प्लस लोशन को हम किस तरह से इस्तेमाल करें। इस्तेमाल करने की जो विधि है वो, उसके लिए आप लिंक पर क्लिक करें, इस लिंक पर क्लिक करें, इसे देखें और इसे हम रोजाना यूज नहीं करते, इसे आपको ऑल्टरनेट डेज पर यूज करना पड़ता है, एक दिन गैप करके दूसरे दिन इसे सर पर लगाएं, आधे घंटे तक, 1 घंटे तक आप इसे छोड़ दें, उसके बाद शैम्पू के जरिए आप इसे धो सकते हो। पूरी वीडियो का लिंक मैंने ऑलरेडी दे दिया है, आप इसे देख सकते हो, आपको सारी इंफॉर्मेशन इसमें मिल जाएगी। अब रही बात कि क्या डिप्रोवेट प्लस लोशन का कोई साइड इफेक्ट भी है। जिस तरह से हर मेडिसिन का कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट होता है, कुछ साइड इफेक्ट्स रिवर्सिबल होते हैं, कुछ साइड इफेक्ट्स जो आगे आपकी स्थिति को डैमेज कर सकते हैं, कुछ साइड इफेक्ट्स जो बहुत ही नॉर्मल होते हैं, वक्त के साथ साथ रिकवर हो जाते हैं, कुछ साइड इफेक्ट बड़े भी होते हैं। तो आज हम इसमें जानेंगे कि इसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि साइड इफेक्ट्स कुछ नॉर्मल भी होते हैं, कुछ रिवर्सिबल होते हैं, कुछ बड़े भी होते हैं। इसके साइड इफेक्ट्स में सबसे पहला आँखों का की रोशनी जो है उसका ब्लर होना, यानी हल्का सा
आंखों के सामने में ब्लरिंग आना ये एक होता है। इसके साथ साथ चेहरे के आसपास की त्वचा पर एक्ने का आना, मुहासों का आना, इसके अलावा स्किन का ड्राई होना, स्किन का कलर चेंज हो जाना जो कि पीरियडिकल होता है, कुछ वक्त तक होता है, फिर बाद में ये सारी चीज़ें रिवर्स हो जाती हैं और फिर आप अपनी नॉर्मल स्थिति में आ जाते हो। और आवाज़ का जैसे भारी हो जाना, ये सारी स्थिति, इसके सारे साइड इफ़ेक्ट्स इसके इसमें है। लिहाजा डिपेंड ये करता है कि आप इसका ओवरडोज ना लें, डॉक्टर के रिकमेंडेशन के बाद ही इसको इस्तेमाल करें। हालांकि इसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत नॉर्मल हैं और इससे डरने की कोई बात नहीं है और ये रिवर्सेबल भी हैं। जब आप इसे एक वक्त के बाद, एक टाइम के बाद, एक पीरियड के बाद आप इसको जब बंद कर देते हो तो फिर ये सारी चीज़ें रिवर्स हो जाती हैं। इसलिए कोई ऐसे बड़े कोई साइड इफ़ेक्ट्स अब तक नज़र नहीं आए हैं और आप इसे बिंदास यूज़ कर सकते हो, क्योंकि ट्रांसप्लांट के बाद आपकी स्किन का साफ़ सुथरा होना और किसी भी तरह से एलर्जी, इन्फेक्शंस वगैरह से साफ होना, रखना इसको ज़्यादा बेहतर होता है, ताकि आपके बालों की ग्रोथ बेहतर तरीके से हो सके। यही वजह है कि डॉक्टर्स ट्रांसप्लांट के बाद डिप्रोवेट प्लस लोशन का यूज़ करने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए देते हैं। अब आपके क्लिनिक के ऊपर डिपेंड करता है, आपके डॉक्टर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपको क्या प्रोडक्ट रिकमेंड कर रहे हैं। आपको बताना भूल गया कि डिप्रोवेट प्लस लोशन के बारे में मैं बार बार कहता हूँ कि डिप्रोवेट प्लस लोशन है ये, तो मुझे लगता है शायद मैंने आपको कॉस्ट नहीं बताया कि इसे कॉस्ट कितनी है। ये अगर आप इसको देखो तो एक्चुअली ये डिप्रोबेट प्लस लोशन के नाम से आता है और इसमें दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक तो बीटामेथाजोन और दूसरा जिंक सल्फेट। ये दोनों आपकी स्कैल्प को साफ सुथरा, इन्फेक्शन फ्री रखने के लिए बहुत ही बेहतर है, तो आप इसे यूज़ कर सकते हो। अब रहा कॉस्ट कि इसकी कॉस्ट कितनी है, तो इसकी कॉस्ट जो है वो है 137, जो कि MRP है। अगर आप डायरेक्ट काउंटर से अगर लेते हो तो इसमें आपको कुछ रिड्यूस मिल जाएगा, आपको कम कुछ इस प्राइस कुछ कम हो जाएगी। 137 है तो आपको लगभग 110 और 115 तक में आपको ये अवेलेबल हो जाएगी। और इसमें ये जो है ये 50 ml का पैक है, ये 50 ml के पैक में आप, क्योंकि ट्रांसप्लांट के बाद डिप्रोवेट प्लस लोशन का इस्तेमाल करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप देख लो ये क्या है। उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई होगी। मिलते हैं इसके साथ ही दूसरे वीडियो में। अगर कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में डालना मत भूलना। और चलिए मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।